Now, let us begin the discussion. इसमें पहले एक राइट अप आप लिखें, then we will come to the explanation part. लिखें biotech sector being a multidisciplinary subject. Biotech sector being a multidisciplinary subject. Still mainly based on I repeat, biotech being a multidisciplinary subject, still based on two major cornerstone, biotech sector being a multidisciplinary subject, still based on two major cornerstones on which it stand up are as follows. Number one, that is genetic engineering. Also called gene manipulation. Or RDNA technology. It is the science of in vitro technique of handling the gene with will by construction and destruction. It is the science of in vitro technique of handling the gene with will by construction and destruction of DNA sequence in the genome of an organism. So point to be noted, it is the science of in vitro laboratory condition में कैसा technique, एक ability जिसमें हम किसी भी organism के genetic material में जाके उसके functional unit जिसे हम gene कहते हैं है ना, उसको handle कर सकते हैं हमारी इच्छा से, उसमें तोड़कर बनाकर कुछ changes. Construction destruction शब्द इसलिए इस्तेमाल किया just to depict the importance of engineering science and chemically. जीन जो है फंक्शनली तो जीन है लेकिन केमिकली वो डीएनए सीक्वेंस है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम इंटीग्रिटी को कंस्ट्रक्ट करता है. तो दैट्स ऑल अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग. फिर द प्रोडक्ट ऑफ This science is RDNA. The product of this science is RDNA.
यूटिलाइजिंग द आरडीएनए, है ना, यूटिलाइजिंग द आरडीएनए एन ऑर्गेनिज्म ऑफ चॉइस कॉल्ड होस्ट is genetically altered known as GMO. So it's a simple one-way explanation, that is science of genetic engineering kya hai, uska ultimate target hai, product of the science is rDNA, recombinant DNA, hence it is called recombinant DNA technology, gene manipulation hota hai with will. और उसी प्रोडक्ट आरडीएनए को फिर हम एन ऑर्गेनिज्म ऑफ चॉइस जिसे हम होस्ट कहते हैं उसको जेनेटिकली अल्टर्ड कर देते हैं, नोन एज जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. एनसीईआरटी इसी बात को क्या कहता है, सिंपली अ जीएमओ इज जेनेटिकली अल्टर्ड मैनमेड ऑर्गेनिज्म विद जीन ऑफ इंटरेस्ट. उसमें उसका जो जो भी नेचुरल जीनोम इंटीग्रेटेड था नेचुरली, अब वो नेचुरल नहीं रहा, उसमें कुछ ऐसे भी कंपोनेंट है जो नेचर ने उसको नहीं दिया, इंसान ने उसके अंदर इंटीग्रेट किया है. तो जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ टू जनरेट एंड एक्सप्रेस अ ट्रेट ऑफ डिजायर, अ ट्रेट ऑफ टू
exploit it commercially. For services to mankind. सही बात है. इसको जिसके ट्रेट ऑफ डिजायर से जो है एक्सप्लॉइट दी ऑर्गेनिज्म कमर्शियल लेवल पे. कमर्शियल वर्ड शब्द ही मतलब है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, टर्नओवर इन्वॉल्व्ड है, पैसा इन्वॉल्व्ड है, और सर्विसेज टू द मैनकाइंड. वो जीएमओ एक माइक्रोब हो सकता है, फंगस हो सकता है, प्लांट्स या इवन एनिमल्स. रादर हम उनको ही ट्रांसजेनिक्स कहते हैं जिसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज लाया गया है. ट्रांसजेनिक the transition in the genome of the host is done by three approaches. Teen approach rehte hain. There are only three approaches. Ya to addition of a trait, मतलब उसमें कुछ नया ऐड कर दिया जाए, क्योंकि जिस कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन की बात करें तो एडिशन ऑफ अ ट्रेट, डिलीशन ऑफ अ ट्रेट, ठीक है, एंड करेक्शन. एडिशन ऑफ अ ट्रेट, डिलीशन ऑफ अ ट्रेट या फिर करेक्शन. तो सभी के अपने अपने एप्लीकेशंस में ये तीनों अप्रोचेस देखेंगे. करेक्शन फॉर एग्जांपल जीन थेरेपी है ना, हेल्थ सेक्टर में करेक्शन करना मतलब जीन थेरेपी, या फिर कुछ नया ऐड करना जो उसमें नहीं था और नए फीचर्स उसमें ऐड हो गए हो, या फिर कुछ ऐसे भी ट्रेट्स होते हैं जिनकी मौजूदगी से हमें दिक्कत हो सकती है तो उसको हटा देंगे तब वो हमारे लिए एक बेटर हैंडल्ड ऑर्गेनिज्म होगा. तो वॉट एवर अप्रोच, ये तीन अप्रोचेज ही हैं टू ब्रिंग दैट इंजीनियरिंग वर्क टू चेंज दैट सो कॉल्ड ऑर्गेनिज्म ऑफ चॉइस टू बी कन्वर्टेड इनटू सो कॉल्ड जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. फाइनली नोट, आफ्टर द चेंज ऑब्लिक ट्रांजिशन the behavior of the GMO is known in laboratory conditions, whereas unknown, no. After that change and transition, point to be noted, जो GMO है उसका जो भी बिहेवियर है और एक्सप्रेशन है ऑल ओवर, उससे जो वर्कआउट है इज नोन इन लेबोरेटरी कंडीशन, वेयर एज अननोन इन द इकोसिस्टम, यानी आउटसाइड द लैब उसका बिहेवियर क्या होगा ये अननोन है, कांट बी प्रिडिक्टेड. दस एनवायरमेंट कुडंट escort the unwanted guest. यानी उसके अकॉर्डिंगली जो एनवायरमेंट उस अनवॉन्टेड गेट को जो गेस्ट को जो है एस्कॉट ही नहीं करेंगे. एस्कॉट मतलब बोलते ना आओ भगत, वेलकम ना करना मतलब.
सो द पॉइंट टू बी नोटेड इज, यानी इसको तो आज हम डिटेल देखेंगे कैसे परफॉर्म होता है स्टेप वाइज बेसिक स्टेप. सो द साइंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एज अ कॉर्नर स्टोन वन ऑफ द मेन पिवोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बायोटेक सेक्टर, है ना. तो उसका एक ही रोल है किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए. इट गिव्स द सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ जीएमओ, यानी जीएमओ इज दैट ऑर्गेनिज्म व्हिच इज गोइंग टू ऑफर दैट सर्विसेज जो कि ट्रेडिशनल साइंस से नहीं मिल रहा था. देयर आर सम हिच एंड अदर बैरियर्स, उनको ओवर क्रॉस करने की एबिलिटी इसमें आ गई, क्योंकि हम आज विथ विल कोई भी चेंजेस ला सकते हैं और रिक्वायर्ड एक ऑर्गेनिज्म से हम अपना प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट पा सकते हैं. तो वो एक अप्रोच था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, and it avails the product called GMO. लेकिन so called GMO construct NCERT इस पूरे discussion को इन तीन lines पे बता देता है, ये genetic engineering करता है. लेकिन अब उसका जो product GMO है वो क्या है और वो किस तरह का हो सकता है, तो उसको तैयार भी जिन तीन approaches से किया गया है, इन सब changes के साथ so called अब वो nature का हिस्सा नहीं रहा, है ना. क्योंकि नेचर ब्रिंग्स दैट चेंज बाय अ स्लो स्टडी ग्रेजुअल एक्टिविटी, है ना. एंड द होल इवेंट इज कॉल्ड इवोल्यूशन. देयर आर फाइव इवोल्यूशनरी फोर्सेस व्हिच एवर ऑपरेट इन थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ इयर्स, तब जाके एक स्पीसिएशन होता है. क्या होता है? दैट्स द नेचर ऑफ नेचर, एनवायरमेंट टू प्ले इट्स रोल. क्लियर आ रहा है सबको समझ में, एवरीवन? तो उसमें नेचर क्या करता है, एनवायरनमेंट को चेंज करता है और हर स्पीसीज को फिर मौका देता है टू अकॉर्डिंगली इंट्रैक्ट एंड रिस्पॉन्ड. एंड स्पीसीज रिस्पॉन्ड बाय फाइव वेज जो इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में हम पढ़ते हैं. हर ऑर्गेनिज्म गिवन एनवायरनमेंट में एडाप्टेशन, रेगुलेशन, कन्फर्मेशन, माइग्रेशन या सस्पेंड, इन सबको करने के लिए वो अंदर से अपने जीन पूल में स्लोली एंड स्लोली ड्रास्टिक चेंज जो आते रहते हैं, है ना, तब जाके. और कैसे आते हैं? आइदर बाय जीन फ्लो, माइग्रेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम रिकॉम्बिनेशन कह सकते हैं, या फिर म्यूटेशन, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट. जब ये चार चीजों से किसी भी एक तरीके से जीनोटाइप सेटल होता है एनवायरनमेंट में, द लास्ट इवोल्यूशनरी फोर्स प्ले इट्स रोल टू चूज कि किसको, किस जीनोटाइप को ज्यादा मौका दिया जाए, किसको. वो कभी भी किसी भी अलील को एकदम गायब करने की कोशिश नहीं करता है. हाँ, आंखों देखा हमें उसका जो है रेशियो बहुत कम दिखेगा, नेग्लिजिबल, लेकिन कोई भी अलील, बुरे से बुरा अलील भी एकदम से पूरे पॉपुलेशन जीन पूल से गायब नहीं होता है. दैट्स द फिफ्थ इवोल्यूशनरी फोर्स विच वी एक्ट कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन बाय थ्री वेज. तो ये हमारी कोर्स का एक दूसरा टॉपिक है जहां इवोल्यूशन, हार्डी विनबर्ग लॉ, यही है क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट. दो तरह से वो काम करता है, बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट. उसके अपने एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन ओरिएंटेड पार्ट उस चैप्टर का वो आ गया. ह्यूमन इवोल्यूशन क्वेश्चन आ गया, ये सारे एविडेंसेस वाले क्वेश्चन. तो इवोल्यूशन से एक क्वेश्चन आएगा, ये रहेगा क्वेश्चन पैटर्न, यहीं से पूछा जाएगा विद सम एग्जांपल्स. या फिर अभी अभी हम जिस यूनिट को पिछले ही क्लास स्टार्टअप दिया है, इसका एक अपना नेचर है. और ये साइंस की ये खासियत है कि इट इज द साइंस विच हैज कम फ्रॉम लैब टू बुक्स, रस रिवर्स ऑफ नेचर. नेचर में कोई चीज हमें पता नहीं है, है ना. जब तक हमें पता नहीं है वो साइंस, वो एक मिथ, मिसकंसेप्शन की तरह है. जैसे ही हमें पता चल जाता है, रीजनिंग करना आ जाता है, वी कॉल इट एज अ सिस्टमैटिक नॉलेज, साइंस. लेकिन हमारे ना जानने और ना मानने से ऐसा नहीं है. जो है नेचर में वो ऑपरेट कर रहा है. आ रहा है समझ में सबको? आर यू गेटिंग द लॉजिक? तो सारा साइंस जो है आज हमारे पास, वो एक समय हाइपोथेसिस से ही चालू हुआ है ना, जिसमें वही बिलीव्स, मिसकंसेप्शंस को धीरे धीरे वर्कआउट करते 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 हमने खोज निकाला. लेकिन ये साइंस अलग है, ये मैनमेड साइंस है, हाइब्रिड साइंस है. तो लास्ट क्लास जो पॉइंट्स लिखवाए वो सब पूरे थ्रू आउट चैप्टर आपको साबित होगा. इंसान के चाहने से नेचर कुछ नहीं कर रहा है. इंसान इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर, मैन जो है एक्सप्लॉयट करके आगे बढ़ जाना चाहता है. वो किसी ऐसी चीज पर रहना ही नहीं चाहता डिपेंडेंट कि नेचर कब कुछ चेंजेस लाए और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या बेनिफिट हो या जो भी हो. तो उसी बात को साबित करता हुआ ये डेफिनेशन. तो फिलहाल इसको नेचर ने तो वेलकम नहीं किया, इंसान ने किया है. तो आई एम जस्ट पुटिंग अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द नेक्स्ट कॉर्नर स्टोन ऑफ द टॉपिक, व्हाट इज द अनदर कोर प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक. कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ने जीएमओ तो दे दिया, जीएमओ के अंदर सारे बेस्ट फीचर्स, एफिशिएंसी सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसका वो एफिशिएंसी और वो उससे जो भी हमें काम लेना था, सर्विसेज लेने थे, वो तभी ले सकते हैं जब उसको एक
प्रॉपर एम्बियंस एनवायरनमेंट मिले कंड्यूसिव फेवरेबल, और वो एनवायरनमेंट नहीं दे सकता बिकॉज एनवायरनमेंट इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ चेंज, इट इज हार्श. एनवायरनमेंट कभी भी सॉफ्टली हैंडल करता ही नहीं है किसी को, वो तो समय समय पे चेंज होता है और यू हैव टू सर्वाइव योरसेल्फ, ये उसका नेचर है वर्क करने का. जबकि इंसानी एनवायरनमेंट जो है कंट्रोल्ड होता है, प्लान्ड होता है, मैनिपुलेटेड होता है. तो इट्स द रोल ऑफ, यानी वी आर नाउ गिविंग गोइंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग दीजिए बायोकेमिकल इंजीनियरिंग. यहां तक सबको आ गया समझ में? हेडिंग दीजिए बायोकेमिकल इंजीनियरिंग. अगेन लिखें, इट इज द ब्रांच ऑफ ह्यूज टेक्नोलॉजिकल साइंस. इट्स अ ब्रांच ऑफ ह्यूज टेक्नोलॉजिकल साइंस विच ऑफर द मेथडोलॉजी टू कंस्ट्रक्ट. इट इज अ ब्रांच ऑफ ह्यूज टेक्नोलॉजिकल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस जैसा कह लें आप, है ना, विच ऑफर्स द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट, विच ऑफर्स द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट एन आर्टिफिशियल एनवायरमेंट. एन आर्टिफिशियल एनवायरमेंट, it's a huge, it's a branch of a huge engineering technological science which offers the ability to construct an artificial environment under controlled conditions of kya hai wo controlled conditions of ambience. स्ट्राइल, कंटामिनेशन फ्री ग्रोथ मीडियम. स्ट्राइल, कंटामिनेशन फ्री ग्रोथ मीडियम, it's a branch of huge engineering science which offers the ability to construct an artificial environment under controlled conditions of ambience, sterile, comma, contamination free growth medium to take out the best services from the GMO. To take out the best, सही बात है, क्योंकि वो तो उसको तो डिजाइन ही ऐसा किया गया है, उसको एनहेंस कर दिया गया है, जो कि हम ट्रेडिशनल साइंस में नहीं कर पाते थे. याद करिए ना क्या लिखवाया था, नेचुरल पोटेंशियल्स पे डिपेंडेंट था हमारा ट्रेडिशनल साइंस, कि जितना उसके जीनोम की एबिलिटी है वही, क्योंकि हम तो उसके जीनोम में जाके कुछ नहीं कर सकते, और जो भी होगा या तो म्यूटेशन से होगा या थोड़ा बहुत ब्रीडिंग से रीशफलिंग करके होगा, जिसमें भी डिजायरेबल के साथ अनडिजायरेबल जीन आ जाएगा. लेकिन यहां तो अब ऐसा नहीं है, सब कुछ उसके जीनोम को बिल्कुल अच्छे से जो भी चेंजेस करने थे कर दिया और अच्छा ही ऐड कर दिया कि अब उसमें यही कैरेक्टर एक्सप्रेस. लेकिन वो कब होगा, जब उसको उसी रेट से पूरा सब कुछ बेहतर एनवायरनमेंट, सारे सहूलियत मिल जाए. तो यही देने की कोशिश, उस साइंस को ही हम बायोकेमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, और वो करता है ये काम. इट डज. देखिए सिस्टम है, तरीके बनाए गए हैं, लेकिन सिस्टम में फेल, किसी वजह से फेल हो जाए वो अलग बात है, उसका भी कुछ ना कुछ कारण होगा. लेकिन आई एम टॉकिंग समथिंग ऑर्थोडॉक्स, और नियम से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपके सामने लिटरेचर है. पैराग्राफ चेंज करके लिखे, द साइंस, द अबव साइंस ऑफर सच एबिलिटी बाय कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज वेसल्स विथ ऑटोमेटेड. The above science avails, you know, such condition by constructing large vessel sized automated devices, large
वेजल शेप ऑटोमेटेड डिवाइसेस कॉल्ड बायोरिएक्टर्स। देखिए आप सब में से जिन्होंने भी इस चैप्टर को एक बार थॉरोली खुद पढ़ रखा है, मतलब होता है ना रीडिंग कर रखा है एनसीईआरटी, तो आई डू होप आप समझ गए कि पूरे चैप्टर को कहां से किस तरह से लिंक करते हुए हम पहुंच रहे हैं। और आज तो आप देखोगे एक तरह से पूरा चैप्टर में डेमोन्स्ट्रेट ही कर चुका हूंगा, जिस तरह से बेसिक स्टेप्स लिखवाऊंगा पूरा। बट द क्वेश्चन इज फिर, और अगर हम क्वेश्चन ओरिएंटेड बात करें तो एक एक टॉपिक से फिर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आने वाले दो क्लासेस का लेक्चर उस तरह से चलेगा। लेकिन आज एक तरह से मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट ही कर डालूंगा। देखिएगा फिलहाल आपने ऐसा लिखा कि ठीक है, दो खास बातें, दो बड़े खंबे, कॉर्नरस्टोन जिस पे पूरा बायोटेक खड़ा है इंडस्ट्री, और एक ऐसी इंडस्ट्री जो हर तरह के एरिया को सर्विस दे रहा है, एग्रीकल्चर आर इनवाइटेड, हेल्थ सेक्टर, एनवायरनमेंट, कि किसको क्या रेमेडी चाहिए, क्या दिक्कत है, आप इससे पहले क्या करते थे, तो उसकी क्या लिमिटेशंस थी, अब हमारे पास अल्टीमेट सॉल्यूशन है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है या जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैनमेड इंस्ट्रूमेंट एक लिविंग बीइंग है, लेकिन वो लिविंग बीइंग अब नेचुरल नहीं रहा, नेचर से हट चुका है, क्योंकि नेचर के लिए तो उसका जेनेटिक मटेरियल जैसा इंटीग्रेटेड था उसमें अब हमने चेंज कर दिया है, अब उसके सारे बिहेवियर हमारे कंट्रोल्ड बिहेवियर्स होंगे। क्यों? क्योंकि हम ही उसको एनवायरमेंट देंगे। नेचर इज नॉट गोइंग टू एस्कॉर्ट इट, इट्स द रोल ऑफ एन ह्यूमन टू अवेल प्रॉपर हैबिटेशन। अब बताओ उसको हैबिटेट दो आप। तो इंजीनियरिंग साइंस अगेन टेक द चैलेंज और कहता है यस वी विल कंस्ट्रक्ट, देंगे उसको वो सहूलियत। और उस पूरे साइंस को ही कहते हैं बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और आप कह सकते हो दैट इज मैकेनिकल इंजीनियर्स, क्योंकि डिवाइसेस ऑटोमेटेड कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर, क्योंकि प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने आपको क्या लिखवाया अभी गौर तो करो सेंटेंस में, कि ठीक है ये पूरा साइंस इस काम को अंजाम देता है, the above conditions are availed by the science of biochemical engineering by constructing what huge vessel shaped you know devices with automation, with automation matlab ab wo manually hold nahi hoga aur handle nahi hoga, programming rahegi, ek bar on kar diya sab apne apne time se changes karke wo apna kaam anjam de hi dega, automated matlab computer programming ke sath। So that what we call bio reactors. So chapter के end में यही तो साबित करना है, what are bio reactors? दो type के, दोनों में दो तरह के cultures होते हैं, दोनों में क्या difference है, किस culture को किस तरह के programming में किया जाता है, मतलब कैसा microbe है उससे decide होता है कि batch culture करे कि continuous, और finally downstream processing क्या देखेंगे। फिलहाल ऐसा लिखने के बाद तो last ऐसा लिखे हैं, bio reactors more or less are the devices to offer the following parameters under controlled condition. Bioreactors more or less are the devices. Bioreactors ki kya khasiyat hai? Ek seedha seedha question. A bioreactor is being designed for. तो books, तो मैं आज practice booklet मिल गया, Sunday को बैठ के घर पर practice करना, एक class और लग जान दो फिर books try करना। सबको मेरी बात आ रही समझ में? बाकी जो जो टॉपिक्स हैं वही अब आगे बायोटेक खत्म होने के बाद मैं वो बायोडायवर्सिटी और एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ा दूंगा। दो क्लास बायोडायवर्सिटी के लिए चाहिए, एक क्लास एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए। सबको आ रहा है समझ में? दैट इज द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, देन वी विल कम बैक टू द फिजियोलॉजी, फिर शुरू होगा क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा देंगे और नर्वस सिस्टम। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब है कि वो जो दो चैप्टर्स हैं उनके, तो खासकर जो क्वेश्चन बायोडायवर्सिटी के और एनवायरमेंटल इश्यूज के हैं, वो तो आप जो है अच्छे से बिल्कुल यही याद कर लीजिए, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन आना उस चैप्टर से, ठीक है। और आज आपको क्लास के एंड पे ह्यूमन हेल्थ डिजीज से रिलेटेड 45 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस पेपर मिलेगा घर के लिए। हो सके तो आज ही बैठ के ऐसी फ्री टाइम बीच में जो ब्रेक लगते हैं उसी समय कर लेना प्रैक्टिस, 10 मिनट तो लगता है अपना ब्रेक लेने में, बाकी टाइम गॉसिपिंग्स ना करके वही प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट 12 इयर्स पेपर पूरे क्वेश्चंस जितने भी है वो है, तो आपको अब हर वीक अब से टिल योर मार्च सबके हर वीक एक एक प्रैक्टिस पेपर ऐसे ही मिलता जाएगा। अरे आया समझ में? जितने चैप्टर्स होते गए हैं उन सबके, अब जैसे अगले वीक सेम मंडे को आपको मिलेगा एनिमल ब्रीडिंग का एक प्रैक्टिस पेपर, फिर उसके बाद जो है ये बायोटेक का दे देंगे या जो सिस्टम्स पढ़ा दिए उसका एक प्रैक्टिस पेपर दे देंगे। आ रहा है सबको समझ में?
जब आप इट्स नॉट द टाइम टू चेक आउट की जो हमने पढ़ा उसको क्या अगर प्रैक्टिस करने जाए तो आए हुए क्वेश्चन सब आपसे कितने बन रहे हैं, सबको आ रहा है समझ में? टेस्ट सीरीज में तो वो क्वेश्चन देंगे जो बनाए गए और नए जो भी असेंबल कर सकते हैं, लेकिन जितने आए हुए पिछले 12 साल के क्वेश्चन हैं उनका एक अलग सा आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा, तो उनको आप बैठ के प्रैक्टिस करते जाएंगे अब. ओके सो मैंने अभी अभी आपको स्टेटमेंट दिया कि 10 बायोरिएक्टर्स आर डिवाइसेस व्हिच और मोर और लेस है ना ऑफर द फॉलोइंग पैरामीटर्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन. ये उसकी खासियत है, अंडर कंट्रोल कंडीशन. व्हाट दोस पैरामीटर्स आर? पीएच, टेम्परेचर, एरेशन, ग्रोथ मीडियम, प्रेशर. पीएच, टेम्परेचर, एरेशन है ना, ऑक्सीजन फ्लो अंदर कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा, एरेशन बिल्कुल नहीं एब्सेंट होना चाहिए क्योंकि द गिवन माइक्रो विच हैज बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड इज एन ऑब्लिगेट एनारोब. कैसा है? उसे चाहिए ही नहीं ऑक्सीजन, तब वो फर्मेंटेशन को अच्छे से अंजाम देगा. तो देर शुड नो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टोटली. तो ये सब कौन कंट्रोल करेगा? मैनुअली तो ऐसा है कि आपने भाई घर में भी तो होता है कि बैटर फॉर दी डोसा इडली जो भी हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं है ना, पीस के दाल चावल मिल के पीस के रख दिया धूप में ढक्कन लगा के. अरे यस और नो? ट्रेडिशनल कन्वेंशनल टेक्निक, तो उसमें उसका टेक्सचर अलग बनेगा फॉर्मेशन का. रख दिया विथ नो कंट्रोल टाइम एंड रख दिया वो तो अचानक याद आ रहा है, अरे जा जा जल्दी धूप में रखा, लिया लिया. लेकिन लार्ज स्केल प्रोडक्शन में ऐसा थोड़ी होता है, फिक्स्ड है कि आधे घंटे में वो फर्मेंटेशन हो जाएगा एक घंटे में, क्योंकि अगले दो घंटे में तो पैकिंग होके उसको बैच टेस्ट लगकर बाहर जो है प्रोडक्शन यूनिट से बाहर हो जाना है. अरे आया सबको समझ में? जबकि घरों में क्या हो रहा है, घर में 5 लोग है 6 लोग है उनके लिए एक ठीक ठाक कम ज्यादा जो है बना के कोई वो नहीं है, देयर इज नो मेजरमेंट, बस एक आइडिया से कि हाँ ये 2 डब्बे ये दो, एक डब्बा ये मिला के रख दिया बस. अरे यस और नो? तो चल रहा है काम वो भी, बट दैट्स किचन टेक्नोलॉजी. दैट्स ओके सो व्हाटएवर, ये था, दैट्स ऑल अबाउट बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग. जस्ट पास मी अ बुक बिफोर आई मूव अहेड. मैं कुछ पॉइंट्स और आपके सामने यार बता देना चाहता हूँ एनसीईआरटी में. पेज नंबर जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, एक्चुअली मैंने यहां तक के पैराग्राफ तक कंटेंट आपको भी पढ़ा दिया है. ये वाला कंटेंट जो है एक्सप्लेन्ड यहां है, लेकिन इसको बेटर समझने के लिए हमें आगे के एक्सप्लेनेशन पे पहुंचेंगे, वहां मैं डिफरेंट स्ट्रोक करके बोल दूंगा. एनसीईआरटी में आप देखिएगा फिर से इस पेज पे, यहां जो समझाने की कोशिश की गई है. लेकिन अल्टीमेटली हिस्ट्री ऑफ बायोटेक करके, मतलब पहले मैं बेसिक स्टेप समझा लूं फिर पढ़ाऊंगा मैं आपको हिस्ट्री ऑफ बायोटेक, उसमें ये पैराग्राफ आ जाएगा, ये जिसमें पॉल बर्ग के कंट्रीब्यूशन से लेके स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर हाउ दे हैव परफॉर्म्ड एंड कंट्रीब्यूटेड एंड इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम आरडीएनए टेक्नोलॉजी, उस पर बात करेंगे. लेकिन आज मैंने जो बात लिखवाया एनसीईआरटी स्पेशल वो ये है, 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इन ऑल ओवर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, तभी तो आरडीएनए बनेगा डिजायरेबल जीन के साथ. वही लिखा है जीन ऑफ इंट्रोडक्शन इन द आइडेंटिफाइड डीएनए इन टू द होस्ट, थोड़ा बहुत आगे पीछे, और फाइनली उसकी कॉपी मेंटेनेंस, इंट्रोड्यूस डीएनए ट्रांसफर. मेंटेनेंस मतलब उससे उसकी कॉपीज बनाना और फिर एक्सप्रेशन, क्या होना? एक्सप्रेशन होना. ये 3 चीजों पे बेस्ड है, तब जाके अल्टीमेटली पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट दैट इज जीएमओ, पहले तो आरडीएनए है, उस आरडीएनए से जिसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं वो तैयार है अपने बेस्ट फीचर्स के साथ काम करने के लिए. लेकिन काम तभी करेगा ना जब उसको वो एनवायरमेंट जिसके लिए वो डिजाइंड है वो मिले, नेचर तो उसको नहीं देगा. हेंस वी हैव टू डेवलप इट आर्टिफिशियली, अ कंट्रोल्ड कंडीशन, अ बेटर कंडीशन, एंड दैट्स द रोल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग.
तो वही है, थोड़ा मतलब सीक्वेंस आगे पीछे है लेकिन सारे पॉइंट्स कवर्ड हो जाएंगे अपने आप। तो नाउ बिफोर आई कम टू द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, आज मैं अब जो प्रेजेंटेशन बनाने जा रहा हूं, बेसिक स्टेप्स ऑफ बायोटेक। सो बेसिकली इसमें मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ हम एक्सप्लेनेशन को आगे कंडक्ट करेंगे कि बेसिकली किसी भी थ्रू आउट द वर्ल्ड कोई भी बायोटेक इंडस्ट्री में अगर कोई प्लान आउट होता है एनी प्रोजेक्ट एक्स विथ एन एम ऑफ अगेन प्रोड्यूसिंग अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वॉट एवर सोल्यूशन इट वॉन्ट टू ऑफर इन फॉर्म ऑफ जीएमओ, एंड सपोज द टारगेट इज टू डेवलप अ जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब, द होस्ट इज गोइंग टू बी अ यूनिसेलुलर माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। तो यू टेक इट कि आप एक लैब में पहुंचे जहां आप समझना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द बेसिक अप्रोच ऑफ प्रोड्यूसिंग अ जीएमओ, फिर उससे एक्चुअल क्या टारगेट क्या एक्सप्लॉइट करके एम है वो एक कमर्शियल एस्पेक्ट है, एक्चुअल रियलिस्टिक वर्कआउट। लेकिन आप तो एज अ ट्रेनी कहीं पहुंचते हैं लैब में और आप 3 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स ज्वाइन किया आपने जहां आप एक कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को तैयार किया जाता है वो सीखने आप पहुंचे। यस देयर आर सच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन इंडिया में सिर्फ बेंगलोर और क्या बोलते हैं पुणे में ही है और कहीं नहीं है। जैसे आईटी सेक्टर है ना वैसे बीटी सेक्टर्स के लिए भी ट्रेंड स्किल्स पर्सन के लिए वहाँ इंस्टीट्यूट्स हैं जो रन करते हैं, और दे आपको बेसिक डिग्री होना चाहिए एमएससी बीएससी आपने किया प्लस अलग अलग टेक्नोलॉजीज में आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करके इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं कि इस काम को मुझे आता है। तो सपोज आप किसी लैब में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जैसे बेंगलोर में एक बेंगलोर जीनी प्राइवेट लिमिटेड एक इंस्टीट्यूट है, वो खुद रिसर्च वर्क भी करती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाती है। क्या बनाती है वो कंपनी? उसका मेन कमर्शियल जो प्रोडक्ट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बनाता है, ओनली क्या बोलते हैं इंडस्ट्री जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाती है और कोई है भी नहीं, देयर इज नो कॉम्पिटिटर, वही बनाती है सिर्फ। और वो साथ ही साथ स्टूडेंट्स अपकमिंग स्टूडेंट्स जो हैं या टेक्नीशियंस जो अलग अलग लैब में काम करते हैं दे कैन अप्लाई ओवर देयर फॉर द 3 months 15 days अलग अलग कोर्सेज हैं, तो वो सिखा देते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देते हैं और उसकी वैल्यू है इंडस्ट्री में कि जाके भाई फलाने जगह से सीख के आया तो वो इट इज़ वैल्यूएबल। तो सपोज आप किसी ऐसे इंडस्ट्री में पहुंचते हैं एंड दे आर डूइंग देयर रेगुलर प्रोजेक्ट और उसी प्रोजेक्ट में आप एज अ ट्रेनी स्टूडेंट पहुंचे हैं और आप सीख रहे हैं कि कैसे बनाया जाता है। किताब में पढ़ते हैं तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोटेक या जेनेटिक इंजीनियरिंग इज डीएनए आइसोलेशन, बट द क्वेश्चन इज डीएनए कहाँ से आइसोलेट होगा? हवा से तो आइसोलेट नहीं होगा। एक्चुअली द वेरी फर्स्ट स्टेप इज सैम्पलिंग, क्या कहते हैं, व्हाट इज दैट, सर्च ऑफ सुइटेबल होस्ट, सर्च ऑफ so simply a team of microbiologists has the first primary role ki us project ke liye wo
टीम ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट सिंपली प्ले द रोल ऑफ सर्चिंग, क्योंकि माइक्रोबियल वर्ल्ड से लिया गया ऑर्गेनिज्म हैज बीन चूजन. यही अगर एनिमल होता तो टैक्सोनॉमिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट को बुलाते, है ना, पूरे ग्रोथ कंडीशन, शरीर के फिजियोलॉजी हेल्दी है कि नहीं वो सब चेक कराना. अगर यही कोई प्लांट होता तो बॉटनिस्ट को बुला के, जो प्लांट फिजियोलॉजी का पूरा कंसेप्ट जानते हैं, उनके वेराइटीज और ब्रीड्स को पहचानने का. सबको मेरी बात आ रही है समझ में? तो टीम वर्क है, इट्स नॉट अ वन आर्मी मैन वर्क, इट्स अ टीम वर्क. लेवल वन, लेवल टू, और किसी भी टीम का किया गया एक गलत काम आगे दूसरे दो काम बिगाड़ देंगे. मतलब द होल प्रोजेक्ट विल बी होल्ड डाउन फॉर अ वाइल. आगे बढ़ने से पहले हो सकता है फिर पीछे जाना पड़ जाए. तो वो कुल मिला के जब सीरियसली कोई प्रोजेक्ट पे काम हो रहा होता है तब नौसिखियों को नहीं लिया जाता है, तब जिन लोग ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स काम कर चुके हैं सक्सेसफुली उन्हीं की टीम को एंटरटेन करते हैं. लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई हमेशा हर इंडस्ट्री हर जगह ऐसा होता है ना कि भविष्य में और ट्रेनर्स को भी सिखाना है तो उनको भी लिया जाता है प्रोजेक्ट में साथ में. अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? तुम MBBS फर्स्ट ईयर तो पढ़ाई कर लो, सेकंड ईयर से तुम्हें जो है OPDs लगना चालू हो जाएगा और फोर्थ ईयर तक पहुंचते पहुंचते तुम भी 4-5 घंटे की ड्यूटीज, और फिर अगर इंटर्नशिप में तो फिर 36 घंटे की भी ड्यूटी भी ली जाएगी तुमसे. मतलब बोला ऐसे ही जाता है, मतलब यू विल बी हैंग्ड अप. अरे आ रहा है ना समझ में चीज है? तभी तो सीखोगे अंडर स्ट्रेस प्रेशर कैसे काम होता है. अरे आ रहा है कि नहीं? मैं डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ. मतलब दैट्स द फैक्ट ऑफ एवरी फील्ड. अब ऐसा थोड़ी कि हम रोज सोच के आते हैं बस मैं तो 2 घंटे ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद 1 मिनट भी नहीं पढ़ाऊंगा. बट मैनी डेज इट कम्स पूरा ये शफल हो जाता है, 6-6 घंटे लगातार क्लास एक के बाद एक के बाद. तो कहीं ना कहीं मेंटली फिजिकली तैयार तो रहना पड़ेगा ना. अरे यस और नो? ठीक है रोज नहीं, लेकिन हाँ 3 दिन तो ऐसा हो जाता है. लेकिन ऐसा थोड़ी बच्चों की तरह किडिंग करेंगे ऐसे हाथ पैर, ओ ऐसा नहीं ऐसे कैसे. तो व्हाट इज दैट प्रोफेशनलिज्म? प्रोफेशनलिज्म ये होता है, आ रहा है समझ में? दिस इज द एक्चुअल करेक्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म, कि आपको आपका काम भी आता है और डेडिकेशन है. नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ क्लेम करने का, लेकिन एक होता है ना कि हाँ अपने काम को जिम्मेदारी से निभाना. तो सैम्पलिंग, सर्च ऑफ सुइटेबल होस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की टीम ने वो वर्कआउट किया. और यहाँ होस्ट 3 तरह के होंगे. दिमाग में जो कंसेप्ट है होस्ट का वो यही कि जिसको हमें फ्यूचर GMO बनाना है. क्या बनाना है? लेकिन ऐसा नहीं है. द होस्ट विल बी ऑफ 3 टाइप्स. होस्ट 1, 2, and 3. होस्ट 1 डोनर, होस्ट 2 ये भी डोनर, एंड होस्ट 3 रेसिपिएंट. यानी यही है फ्यूचर GMO. होस्ट 1 डोनर किस चीज का डोनर होगा? वो डोनर होगा, इट इज द ऑर्गेनिज्म ऑफ चॉइस जिसका ट्रेट जीन ऑफ इंटरेस्ट है फॉर द रिसर्च टीम, फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर, कि इस कैरेक्टर को डिसाइड करने वाला जीन इस ऑर्गेनिज्म से मुझे अब इस ऑर्गेनिज्म में चाहिए. आया सबको समझ में? लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल ठीक है वो सब, लेकिन ये स्पीसीज और ये स्पीसीज कभी भी एक दूसरे से जो है क्या नहीं करेंगे, रिकॉम्बिनेशन नहीं करेंगे किसी तरह का, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऐसे भी नहीं है. तो ये कैरेक्टर इसमें अचानक कोइंसिडेंटली किसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, कि नेचर में कभी ऐसी कोई घटना कहीं हो तो हमें कैसे पता चलेगा ऐसा हुआ है. ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहते हैं उस घटना को, कि ये लाइसिस हो गया, इसका सब टूट के नेकेड, यही DNA टूट के फ्रीली अवेलेबल हुआ मीडियम में, और इनके लाखों में से किसी एक बैक्टीरिया ने इसको एनगल्फ कर लिया, इंटेक कर लिया, इंटीग्रेट किया कि नहीं किया. तो दिस इज द नेचुरल एक्टिविटी, और वो भी होगा कि नहीं होगा कौन जाने, बट इंसान तो क्या कह रहा है. अब आप एक एक लाइन, एक एक डेफिनेशन को तो रिकॉल करो. दिस इज द विल, ऑर्गेनिज्म ऑफ चॉइस. ये तीनों है लेकिन तीनों अलग अलग, ये डोनर है और ये डोनर ऑफ प्लाज्मिड, ये डोनर ऑफ,
अच्छा ये दोनों एक ही स्पीसीज के, स्ट्रेन अलग है, एक के पास प्लाज्मिड है दूसरे के पास नहीं है, स्पीसीज एक ही है दोनों, लेकिन एक के पास और दूसरा, तो इसका प्लाज्मिड इसमें काम करेगा। सबको आ रहा है समझ में? तो पॉइंट टू बी नोटेड, तो इसको इसमें ले जाना टारगेट है, ये है फ्यूचर। तो ये डोनर है किसका, वेक्टर यानी प्लाज्मिड लिख रहा हूं अभी मैं। तो पहला स्टेप सबको समझ में आया, द रिसर्च टीम माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैव सैंपल आउट द टारगेटेड होस्ट विच आर ऑफ थ्री टाइप्स, सुटेबल तीनों ही है, ये डोनर फॉर एफडीएनए, ये डोनर ऑफ प्लाज्मिड और ये है फ्यूचर जीएमओ। सबको आ रहा है समझ में? एवरीवन, नाउ दे विल पुट दैट सैंपल इन फ्रंट ऑफ द नेक्स्ट टीम इन स्टैंड अप जो खड़ा है, दैट इज द टीम टू परफॉर्म डीएनए आइसोलेशन, टू परफॉर्म। खुद डीएनए आइसोलेशन दो तरह के होते हैं, जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिड, सिर्फ ये चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए। और अभी फिलहाल पूरा ये निकालेंगे पहले, विथ प्यूरिटी, विथ नथिंग शुड बी एंटेंगल्ड, सब कुछ साफ, सिर्फ प्योर डीएनए सीक्वेंस, जीनोमिक डीएनए पूरा, और इसका सिर्फ प्लाज्मिड। सबको आ रहा है समझ में? दैट इज द सेकंड स्टेप कॉल्ड डीएनए आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, राइट। इसको बनाया जरा, दो मिनट। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज कॉल्ड सैम्पलिंग, और उस सैम्पलिंग के बाद नेक्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हालांकि पूरा डीएनए आइसोलेशन से रिलेटेड स्टेप वाइज डिटेल्स सब बताया जाएंगे, बट अप्रोच क्या है आइसोलेशन ऑफ डीएनए का, कि दैट इज सिंपली ऑब्टेनिंग द सोर्स ऑफ डीएनए, द जीनोम इन इट्स प्यूरिटी, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ डीएनए आइसोलेशन। बट इस स्टेप टेक्निक में जो टूल इस्तेमाल होता है वो यही मेंशन कर रहे हैं, दोज आर दी ग्रुप ऑफ एंजाइम्स ऑल टुगेदर कॉल्ड लाइजिंग एंजाइम्स, और वो लाइजिंग एंजाइम होस्ट डिपेंडेंट है। क्या है, कहने का मतलब है कि होस्ट किस तरह के सेल से हम डीएनए को डिराइव कर रहे हैं, उस तरह का एंजाइम वो इस्तेमाल होगा वहां पर। आ रहा है सबको समझ में? लाइजिंग एंजाइम्स, होस्ट का सेल कैसा है, प्लांट है, एनिमल सेल है, माइक्रोबियल बैक्टीरियल सेल है, फंगस का है, फंगस का है तो काइटिनेज, प्लांट का है तो सेलुलेज, एनिमल सेल से डिराइव होगा तो लिपेज प्लस प्रोटीएज, और अगर बैक्टीरियल सेल है को है ना लाइसिस करके डिसइंटीग्रेट करके जीनोम को एक्सट्रैक्ट करना है तो लाइजोजाइम, कौन सा एंजाइम,
सीधा सीधा ब्रेक थ्रू क्वेश्चन मतलब। तो फिलहाल द नेट रिजल्ट क्या है, पॉइंट टू बी नोटेड, सिर्फ इन दोनों को दे आर सब्जेक्टेड टू डीएनए आइसोलेशन, इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ इन दोनों को। तो दैट डीएनए आइसोलेशन इज गोइंग टू बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज जीनोमिक आइसोलेशन यानी होल जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और दूसरे में से सिर्फ प्लाज्मिड आइसोलेशन। तो रिजल्टेंट जैसे मेयर प्रेजेंटेशन क्यूब बफर के अंदर ये मौजूद है, ये ऐसे मौजूद है। अच्छा, इसी जगह पे देखिए, सून आफ्टर दिस सैंपल वन एंड टू बीइंग प्रिपेयर्ड विथ आइसोलेटेड डीएनए ऑफ टू डिफरेंट ओरिजिन, वन इज जीनोमिक एंड अदर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब इज सब्जेक्टेड टू पीसीआर। टू पीसीआर अपने आप में एक टेक्निक है, ठीक है ना। सून इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू व्हाट, पीसीआर। यानी मल्टीपल कॉपीज का प्रेजेंटेशन है ये, अंदर ऐसे होंगे, क्लियर। देन ये तो हो गया फर्दर इसके, हो है ना, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप थर्ड। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन क्या होगा, एंड द टूल टू बी यूटिलाइज्ड हियर इज अगेन अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स ऑल टुगेदर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, और पॉइंट टू बी नोटेड, इसी बीच मतलब वो इस तरह से टूट गई है। लेकिन इस प्रेजेंटेशन में याद क्या रखना है कि स्टेप में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल होगा विल बी अप्लाइड टू बोथ दी सैंपल, ऑलवेज सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बीइंग यूटिलाइज्ड टू कट दी एफ डीएनए एंड दी वेक्टर डीएनए एंड दी, दिस इज अ स्टेटमेंट, मैं आपके सामने अभी स्टेटमेंट दिया है और उसका प्रेजेंटेशन, ठीक है। और फिर देखिएगा, इसमें गौर करिएगा कि ये तो फ्रेगमेंट्स बन गए और ये रहा एफडीएनए, लेकिन ये हमें यहां लैब में तो नहीं दिखेगा, यहां पर अभी डायग्राम और कलर्ड पेन से समझ में आ रहा है। अच्छा, यहीं पर ही इसी स्टेप में जब रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं तो अगेन जिसमें प्लाज्मिड डीएनए है उसमें ऐड कर दिया जाता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, क्या ऐड कर दिया जाता है, द रीजन इज कि ये सर्कुलर डीएनए है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट तो लगा दिया टू एक्सपोज दोस स्टिकी एंड्स, फ्री एंड्स जिन पे आगे चल के लाइगेशन होगा विद द एफडीएनए, लेकिन ड्यू टू देयर सर्कुलर नेचर मान के चलिए मोस्ट ऑफ देम कट, लेकिन कुछ आप देख सकते हैं बिना कट के भी शो किए दो को,
उम्मीद करते हैं 70-80% कट लग गए होंगे, लेकिन 20% में कट तो लगा होगा, लेकिन वो दोबारा सर्कुलराइज हो गया। क्या हो गया? रीसर्कुलराइज, उसको बचाने के लिए। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज इज बीइंग एडेड टू प्रिवेंट, इसी स्टेप में सैंपल में, टू प्रिवेंट रीसर्कुलराइजेशन, टू प्रिवेंट ऑफ प्लाज्मिड। लेकिन एंजाइम है टेम्परेचर में इफेक्टिवली पूरा काम नहीं कर पाते। 70% को भी अगर लीनियर रख दिया है ना, बाकी 30% हो गए रीसर्कुल इससे पहले। क्यों? क्योंकि एल्कलाइन फॉस्फेटेज नाम से समझ में आ रहा है, 5- एंड, कौन सा एंड? टूटने पे जो 5- एंड है उस पे जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप? उसको वो एलिमिनेट कर देता है, जिससे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ना बने और वो ओपन रहे, लीनियर ही रहे। अरे तब तो आगे जाके लाइगेशन स्टेप में दोनों को ऐड करेंगे तो जगह जो बना रहेगा वहां ये ऐड होगा। आया सबको समझ में? आर यू गेटिंग द सीक्वल ऑफ द वर्कआउट? किसी भी बायोटेक लैब में सो कॉल्ड वर्कआउट बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग के ये बेसिक स्टेप्स हैं, सैंपलिंग, डीएनए आइसोलेशन, रिस्ट्रिक्शनाइजेशन, और इसके बाद सो कॉल्ड इस एफडीएनए को सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना, द नेक्स्ट प्रोमिनेंट वर्सटाइल टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कौन सा स्टेप? तो मेरा कहने का मतलब है सक्सेसिव क्लासेस में इन सारे टॉपिक्स के बारे में इंडिविजुअली बताया जाएगा, क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट्स, लेकिन आज एक एक साथ एक पूरे चैप्टर का कंसेप्ट दिमाग में फ्लो बन जाए। So where alkaline phosphate is added at the step of restrictionization, है ना, is a correct statement, is a, कभी कभी होता है ना कि रटा रटा पढ़ लिया तो restrictionization step में तो ये enzyme इस्तेमाल होता है, वो गलत है, गलत नहीं है। वो क्यों add किया? ये तो add किया था to make that cut, specific cut, but alkaline phosphate is added to prevent recircularization of the plasmid, या टूल बनने का और एक तरीका conversely, to maintain linear nature of the vector, linear nature of the vector। आया सबको समझ में? Okay, now after this step, ये वाला sample is subjected to gel electrophoresis, gel electrophoresis। अब खुद ही अपने आप में एक पूरा, मैंने कहा डिटेल्ड प्रोसेस है जो आपको बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो एक प्रेजेंटेशन से देख लें, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वायरिंग, नेगेटिव एंड का इधर, पॉजिटिव एंड का। इसमें सैंपल है, इट इज बीन ड्रॉप इन टू दी वेल्स, और डेफिनेटली रिपल्शन फोर्स से जो है फ्रैगमेंट्स ऐसे चार अलग अलग लेंस में मूव करेंगे, और उन्हीं के बीच किसी एक लेन में सो कॉल्ड हमारा एफडीएन में मौजूद है। तो यहां अभी इस डायग्राम से ऐसा दिख रहा है, तो सदर्न हाइब्रिडाइजेशन और डीएनए प्रोब इस्तेमाल करके हम अपने एक्चुअल फ्रैगमेंट को रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्पाई मॉलिक्यूल इस्तेमाल करके। द प्रोसेस इज कॉल्ड सदर्न हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय ऑटो रेडियोग्राफी फॉलोड बाय। तो जेल के जिस सेगमेंट में वो कलरेशन आएगा या जो भी आएगा, ठीक है, अलग से वो बैंड जो है स्ट्राइक करेगा, उस जगह से जो है इल्यूशन टेक्निक, कौन सा टेक्निक, सो उसको अलग कर लेते, सेपरेट कर लेते। इल्यूशन क्या होता है? कुछ नहीं, पंचिंग मशीन जैसा, जैसे कागज पंच करके होल बना के फाइलिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, वैसे ही एक मशीन होता है, उससे जेल को ऐसा कट करते हैं, है ना, ऐसा प्लक करने के लिए ऐसा कट करते हैं, यानी कुछ इस तरफ से मैं दिखा रहा हूँ कि एक ये रहा ना थिकनेस, ऐसा करके एक छेद बन जाएगा। तो इमेजिन करिए जहां है वहां कट कर दिया, कट कर दिया तो ये रहा वो पीस निकल आया जिसके अंदर वो एफडीएनए एम्बेडेड है।
आया सबको समझ में, वहां से निकाल लिया, द टेक्निक इज कॉल्ड इल्यूशन। और फिर उसको एक नए बफर में रख देंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा और ये रहा एफडीएनए। एंड नाउ एट दिस स्टेप आफ्टर सून, मतलब ये एक एलाइड स्टेप है, अलग से कंटिन्यूएशन में नहीं, ये होने के बाद जैसे ही एफडीएनए एक फ्रेगमेंट मिला होगा, इट इज नाउ अप्लाइड फॉर पीसीआर, मल्टीपल कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज। तो ये सैंपल और ये सैंपल अब आगे बढ़ेगा फॉर द नेक्स्ट स्टेप लाइगेशन, जिसे स्प्लाइसिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग। ये सारे स्टेप्स, एक एक स्टेप्स डिटेल पढ़ा दिए जाएंगे आपको, क्वेश्चन ओरिएंटेड, मतलब अब, लेकिन इस आज के बाद क्या है, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो दोबारा आपको डिटेल लिटरेचर ना पढ़ना पड़े। इस हिस्से को आप देखें और रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन टॉपिक सुन के इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ना, उनका क्या नेचर है, न्यूक्लियसेस कहते हैं, दो टाइप के होते हैं, एंडो एंड एक्सो, है ना। तो एक्सो न्यूक्लियस अदर देन, अगर वो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन फिर उनका क्या क्वेश्चन ऐसा बनेगा, देन व्हाई दे आर प्रेजेंट नेचुरली इन दी सेल्स, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, सब में होता है, हम में हर सेल के अंदर होता है, दैट्स द क्वेश्चन। तो वो तो मैं बताऊंगा ना आपको आगे, लेकिन आप रोज रोज थोड़ी बैठ के एक एक पढ़ते रहोगे, फिर तो क्या रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन सुन के बाकी सब बातें याद आ जाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का न्यूक्लियस है, एंडो न्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, जो क्योंकि एंडो न्यूक्लियस खुद स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक खुद तीन तरह के होते हैं, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री। टाइप वन, अब इन तीनों में से कौन एक्चुअल हमारे लिए मॉलिक्यूलर सीजर है, केमिकल स्कैपल्स है ना, बायोलॉजिकल सीजर। टाइप टू, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, व्हाई नॉट टाइप वन एंड थ्री, रीजनिंग क्वेश्चन। देखो कुछ चीजें होती है, मैंने कहा ना मगअप याद रखेगा क्वेश्चन बनेगा, कुछ चीजें रीजनिंग से सॉल्व होंगे, कुछ चीजें एप्टीट्यूड से सॉल्व होते हैं। तो हर चैप्टर में आपको ये सेगमेंट डे वन से ही पढ़ते पढ़ते तय कर लेना है कि किनको याद रखने से सॉल्व होगा तुम्हारा क्वेश्चन, किसको रीजन करना आना चाहिए आपको कि ये कारण है इसलिए ऐसा होगा। आ रहा है सबको समझ में, एवरीवन? तो क्लियर रखे कॉन्सेप्ट्स को, यही सब बातें बता दी जाएंगी। तो खुद डीएनए आइसोलेशन अपने आप में क्वेश्चन ओरिएंटेड टॉपिक है ना। पीसीआर, उसकी जो तीनों स्टेप्स हैं, क्यों थर्मल साइक्लर कहते हैं मशीन को, क्योंकि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जो करते हैं तीन अलग अलग एक एक मिनट के दूरी से, उनका क्या रोल है। अब एनसीईआरटी में इतना कहां लिखा है, बस सीधा सीधा प्रायर प्रेजेंटेशन बना है, लेकिन अनिलिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है, अनिलिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, उसकी सही डेफिनेशन एक्चुअली क्या है, बाकी व्हाट इज करेक्ट फॉर अनिलिंग ये तो पता ही है। सेकंड स्टेप कंज्यूम वन मिनट, प्राइमर्स आके एंटी पैरेलली अरेंज हो जाते हैं दोनों एंड्स पे, लेकिन किस एंड पे, 3' की 5', 3', ये सॉर नो, क्योंकि हमेशा कॉपी जो होता है 5-3' एंड पे होता है, तो डीएनए का डुप्लेक्स एंटी पैरेलली रन करते हैं 5-3-3-5', तो 3' पे लगेगा, तो एक्चुअली जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा वो 5-3' होगा, यस और नो, है ना। तो दैट्स ऑल ट्रू अबाउट एनीलिंग, अबाउट एनीलिंग। तो एनीलिंग का एक्चुअल फायदा क्या है ये पता चल जाए, तभी तो तुम उस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि क्वेश्चन कन्वर्स घुमा दो थोड़ा सा क्वेश्चन मेकिंग, किसी किसी में कहते हो ना लेट अस डिस्कस इन अ क्वेश्चन मेकिंग एस्पेक्ट, बाकी तो पढ़ते रहते हैं लिटरेचर बहुत समय। तो अनिलिंग क्या है, अगर सही डायरेक्टर पता होगा तो क्वेश्चन एक्चुअली आएगा कि व्हाट विल हैपन इन अ पीसीआर विदाउट अनिलिंग स्टेप। आया समझ में? तो एग्जैक्ट प्रोबेबल आंसर क्या होगा। तो इन सब एक्सपीरियंसेस के लिए फिर एक एक टॉपिक, मतलब स्टेप्स को हम डिटेल पढ़ेंगे। जैसे ये दिखने में लग रहा है मेन कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि हाँ डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, लोड कर देते हैं किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, एनोड की तरफ रन करता, ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लेकिन ये जो सेपरेशन ऑफ
डीएनए सेगमेंट्स होते हैं वो किस बेसिस पे, उनका लेंथ, मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है ना, वेट, लेंथ ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा, सब कुछ ज्यादा ज्यादा है ना, लार्जेस्ट यानी नियरेस्ट टू दी वेल, इस सेगमेंट के बारे में बताइए क्या है, क्यों ये यहां रुक गया जबकि उसी लेन का ये यहां पर क्यों है, क्या डिफरेंस है दोनों बैंड में जबकि दोनों ही डीएनए, दोनों तो एक ही साइज के बैंड दिख रहे हैं बट बैंड साइज डजंट डिसाइड द लेंथ ऑफ द डीएनए। अरे आया समझ में? तो उसके लिए मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, फिर देखेंगे सीविंग इफेक्ट, क्या देखेंगे, जेल अगार अगार जो रेड सीवीड है उसी का इस्तेमाल क्यों होता है, कोई और क्यों नहीं, सबको मेरी बात है ना, द पाउडर कॉल्ड एगारोस, प्रोडक्ट को एगारोस कहते हैं बट इट्स द अगार अगार मतलब रेड सीवीड, तो उसकी क्या खासियत है, तो उससे बनने वाला ये जेल जो जिसको कहते हैं पॉली एक्रेमिडल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या कहते हैं, पॉली एक्रेमिडल जेल इलेक्ट्रो पेज, एक्चुअली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा नाम है पेज, क्या कहते हैं, पी ए जी ई पेज, पॉली एक्रेमिडल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, तो कैसे अगार को हीट करके गर्म करके जो है रख देते हैं, वही लैब में एक माइक्रोवेव ओवन रहता है, बढ़िया वाटर बफर बनाते हैं 3x 2x 6x जिस तरह का भी होगा बफर के अंदर, इसको घोल के पाउडर को, जैसे इसबगोल का पाउडर नहीं आता, इसबगोल देखा है सबने एज अ लैक्सेटिव पाउडर, ठीक है, वैसे ही होता है अगार अगार का भी, तो दो चम्मच ऐसे घोल के डिपेंड ऑन द थिकनेस टेक्सचर मिलाया जाता है, गर्म करके इसको शेकिंग, मतलब वो अंदर माइक्रोवेव ओवन में गोल गोल घूमता है फॉर गिविंग इस शेकिंग, बढ़िया अपने आप ही ऐसे घुल के गर्म होके थिक हो जाता है, फिर उसको ठंडा करके रख देते हैं, और फिर उसको कैसे पोर करते हैं, कैसे कूम्स लगाते हैं, तभी तो ये डेवलप होंगे, और हर स्टेप हाथ बिल्कुल सदा हुआ हाथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कूम्स वेल्स बनाने के लिए जो लगाए हैं फिर उनको ऐसे गदर पिक्चर की तरह जो है सनी देवल बन गए, बिल्कुल हल्के हैंड से, सॉफ्ट हैंडेड हैंडलिंग होनी चाहिए बिल्कुल ऐसे, आया सबको समझ में, क्योंकि जरा सा भी कुछ दिक्कत आया जेल्स पे क्रैक बन गए, क्या बन गए, दिखेंगे नहीं, वो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर वो कुछ भी टॉर्शन हुआ है तो क्रैक बन गए होंगे, तो डीएनए लोड करेंगे, रन कर देंगे, थोड़ी देर बाद वो ऐसे ही फैल जाएगा, और फिर यूवी लाइट पास करेंगे तो देखेंगे ऐसे ही चारों तरफ, मतलब बैंड पैटर्न्स नहीं आएंगे, डिस्टर्ब डिस्टॉर्टेड पूरा आएगा, तो दिस शोज कि मतलब काम ढंग से नहीं हुआ है। तो ये जितने भी काम आप थ्योरेटिकली यहाँ जिस तरह से पढ़ रहे हैं कितना आसान लग रहा है सुनने में, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, गोल गोल दिख रहे हैं बढ़िया, लेकिन लैब में ऐसा नहीं होता, कुछ नहीं दिखता है, ऑल बीइंग डन विद सम स्पेसिफिकेशंस एंड कैलिब्रेशंस। फिलहाल यहां तक सबको आया समझ में? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज लाइगेशन। जिसे स्प्लाइसिंग भी कहा गया है, एंड द टूल इज डीएनए लाइगेज। यू कुड सी कि देयर आर फोर टूल्स, एफडीएनए, होस्ट, एंजाइम एंड वेक्टर। तो मेन तो एंजाइम्स और वेक्टर है, होस्ट और एफडीए को तो इसलिए टूल कहा गया क्योंकि उनका भी तो इस्तेमाल हो रहा है एज अ रॉ मटेरियल, जिन पे वर्कआउट हो रहा है, तो दे आर ऑल्सो इक्वल सिग्निफिकेंस, क्योंकि उनकी भी कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, नहीं तो एंजाइम अच्छा है, वेक्टर अच्छा है, लेकिन होस्ट और एफ डी एन ए आपस में एक दूसरे को रिवर्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, देन थिंग्स विल गो इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। इसलिए मैंने उस सीरीज में ऐसा लिखवा दिया है। तो लाइगेशन स्प्लाइसिंग में टूल डीएनए लाइगेज, दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया गया है विद इन अ बफर इंक्लूडिंग डीएनए लाइगेज एंड केप्ट इंक्यूबेटेड फॉर 12 आवर्स एंड मोर। 12 घंटे का इंक्यूबेशन दिया जाता है, टेम्परेचर एक्सपोजर। तो इस स्टेज में एक्चुअली अब आप देखिए, टू थिंग्स विल हैपन इनसाइड द ट्यूब, द नेट रिजल्ट विल बी
आफ्टर लाइगेशन अंदर क्या होगा वट है ना, 12-14 घंटे बाद जब इसको हम उम्मीद करेंगे तो अंदर दो कंडीशंस होंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बनेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर? बट अगेन लाइक स्टिल जो अभी तक हमने बातें डिस्कस की, यहां भी ये तो आज हमें ये थ्योरेटिकल अप्रोच से हमें पता है कि ये चीज ऐसा है, लेकिन लैब में तो समझ में नहीं आएगा ना। सो वी कांट स्क्रीन आउट, हमें ये चाहिए ये नहीं चाहिए, क्योंकि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आरडीएनए व्हिच हैज टू बी प्यूरिफाइड एंड देन एंटर्ड इनटू द होस्ट, सो कॉल्ड द होस्ट गुड ट्रांजिट इनटू अ ट्रांसफॉर्म्ड जीएमओ देयर आफ्टर। लॉजिक को आप समझे, बट वी आर हेल्पलेस, हम कुछ नहीं कर सकते। बट दिस ट्रबल इज गोइंग टू बी शूट आउट, लेबोरेटरी में इसे कोई ट्रबल शूटिंग कहते हैं, कि जिस दिक्कत की अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर एक हर्डल आ रहा है, ये हमारा रुकावट है कि हमें, एंड साइंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज अ साइंस ऑफ प्यूरिटी, तो जिस प्यूरिटी को हम आखिरी में हासिल करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और उसके क्या बोलते हैं सर्विसेज, वो तो डे वन से मेंटेन होना चाहिए, तब तो आखिरी तक प्यूरिटी मेंटेन होगा। तो दिस इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल कंटामिनेशन। फिलहाल ये कंटामिनेटेड प्रोडक्ट है हमारे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के साथ, इसको अलग करना है। कब और कहाँ कर सकते हैं? वेयर वी कुड स्क्रीन आउट। सबको आ रहा है? पूरे चैप्टर का मेन जिस्ट यही तो है, बाकी उस बात को समझने के लिए बाकी सब बातें पढ़ रहे हैं। तो आज फिर से एक बार मैं श्योर करना चाहता हूं, डे वन से जब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सेशन स्टार्ट हुआ है, मैंने आपको हमेशा से एक ट्रिक दिया है कि हर चैप्टर में कोई तो एक ऐसा टॉपिक होता है जो मेन होता है, उसको समझने के लिए बाकी चैप्टर की सारी बातें होती हैं। यस और नो? तो नाउ इट्स यू, आफ्टर गोइंग थ्रू द कंटिन्यूअस एंड थॉरो एक्सप्लेनेशन, मैं तो अपने लेवल पे बोल ही दूंगा, लेकिन आप अपने लेवल पे भी डिसाइड कर लें। व्हेन इट वाज द मस्कुलर सिस्टम क्रॉस ब्रिज साइकिल, पता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का पूरा इवेंट, यानी उसे मसल्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर, क्योंकि उस इवेंट को समझने के लिए जिन टर्म्स लैंग्वेजेस स्ट्रक्चर कौन किससे क्या रिलेटेड है सब पता होगा, तभी तो समझोगे कि कब कौन जुड़ेगा, कहाँ से कौन आ रहा है, कैल्शियम रिलीज कब होगा, क्या होता है मोटर एंड प्लेट। जब वो सभी कुछ नहीं पता तो सब वही रटा रटाया पढ़ रहे हैं, ऐसी ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं अब। एंड सेम वॉट चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको काउंटर करंट मैकेनिज्म पता है उसे पूरा चैप्टर के बाकी सारे एंड्स पता है, क्योंकि वो डिस्टर्ब हुआ मतलब पूरा यूरिनरी सिस्टम जीएफआर तक डिस्टर्ब हो जाएगा। यस और नो? जितने भी सिस्टम्स पढ़े एक दिन घर पे बैठ के सिर्फ वाइटल्स ही याद करो ना सारे पैरामीटर्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम का पैरामीटर है जीएफआर, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पैरामीटर है एवीआर एल्वियुलर वेंटिलेशन रेट जिसे कहते हैं, है ना, विच इज इक्वल टू वही कार्डियक आउटपुट जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में, इज इक्वल टू SV इनटू HR, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। वैसे ही एल्वियुलर वाइटल कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी इज मल्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू व्हाट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट TV टाइडल वॉल्यूम इनटू ब्रीदिंग रेट। एक इंसान का ब्रीदिंग रेट 12 टाइम्स पर मिनट लोअर रेंज ही मान के चलो, और टाइडल वॉल्यूम 500 होता है, 500 इंटू 12 6000, रेंज लिखा है तो एनसीईआरटी में 6000 टू 8000, बाकी सारे चार वॉल्यूम्स चार कैपेसिटीज, सबकी डेफिनेशन वैल्यू और उसको याद करना। वो मैं कह रहा हूं पूरे चैप्टर से एक क्वेश्चन आ गया वहीं से आ गया। तो जिसको वो पता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का एनालिसिस जिसे आ गया उस चैप्टर में, यानी बाकी सब बातें अच्छे से पता है। तो हर चैप्टर में तुम ऐसे पाओगे, मतलब सबको मेरी बात आ रही समझ में, एवरीवन? तो सेम अबाउट द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी पार्ट वन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, द होल चैप्टर इज सेंटर्ड टू द डिस्कशन ऑफ हाउ टू स्क्रीन आउट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट्स,
एंड हाउ टू स्क्रीन आउट नॉन रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम, और ये सब बाय वर्च्यू ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, किसके वजह से, वर्चुअल किसके वजह से, वेक्टर्स, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कौन है वेक्टर्स, उनको क्यों पाया गया, क्यों डिजाइन किया गया है, या हमने आज जो खोज निकाला, क्योंकि हमें एफडीएनए, फिर वही पूरा चैप्टर घूम फिर के आ गए ना कंसेप्ट पे, यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, टूल्स एंड टेक्निक्स। तो जैसा कि मैंने सिनॉप्सिस में लिखवाया, देखेंगे ना वेक्टरलेस एंड वेक्टर मीडिएटेड, कैसे भी ट्रांसफर करे लेकिन तरीका तो होगा ना कुछ ना कुछ। तो पॉइंट टू बी नोटेड, वापस जाएं उस सैंपलिंग वाले स्टेप में, वहां एक टेस्ट ट्यूब रह गया था और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा रेसिपिएंट होस्ट, ये रहा पेट्रीडिश ग्रोथ मीडियम के साथ, पोटैटो डेक्सट्रोस अगार मीडियम कहते हैं, पीडीए मीडिया कहते हैं, है ना, पोटैटो डेक्सट्रोस, आलू उबालते हैं चार, आया समझ में, डेक्सट्रोस पाउडर मिलाते हैं, आलू को मैश कर लेते हैं अच्छे से, बिल्कुल इतना अच्छे से मतलब, और फिर उसका घोल बनता है, और फिर उसमें डेक्सट्रोस पाउडर मिलाते हैं, बफर मिलाते हैं, और बाद में लास्ट में अगार, तो एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, एज अ वही अगारोस पाउडर मिलाते हैं, एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, एज अ, कोई न्यूट्रिएंट नहीं है वो, सिर्फ सॉलिडिफाइंग जेल नेचर देने के लिए, तो पीडीए मीडिया कहते हैं, क्या कहते हैं, पोटैटो डेक्सट्रोस अगार मीडिया। तो सो कॉल्ड अगेन उस टेस्ट ट्यूब में जो है होस्ट मौजूद है उसको ड्रॉप कर देते हैं, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आफ्टर एन इंक्यूबेशन, कि बैक्टीरियल कॉलोनी है, क्या ग्रो कर गया, है ना, दिस इज द होस्ट ग्रोथ मीडियम, जिसको हमें एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करना है, जीएमओ बनाना है, आया समझ में। इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे किसको, रिस्पेक्टिव आरडीएनए को, तो क्या हुआ होगा, ग्रो कर गया, जो सिर्फ ऐसे डॉट्स हैं वो ये होंगे, और जो रेड ब्लू हैं वो रिकॉम्बिनेंट है, क्या है, जो रेड ब्लू हैं वो रिकॉम्बिनेंट है, और जो सिर्फ ब्लू है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये मेयर प्रेजेंटेशन है। उस सॉल्यूशन को इसमें ड्रॉप कर दिया, गिवन एन इंक्यूबेशन, अगेन कुछ समय दिया उसको, इस दौरान इस होस्ट को ट्रीटमेंट दिया जाता है अलग अलग तरह से, जिसे हम कॉम्पिटेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, होस्ट कॉम्पिटेंस, यानी ज्यादा से ज्यादा वो अपटेक करे हमारे उस डीएनए को जो उसके लिए नेकेडली अवेलेबल है चारों तरफ से। आया सबको लॉजिक समझ में, 5-6 घंटे का टेम्परेचर देते हैं और ये ड्रॉप कर दिया, साथ ही साथ अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स देते हैं जिससे वो ज्यादा अपटेक करने की एबिलिटी तो है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 1000 में से कोई 10 बैक्टीरिया अपटेक करेंगे, नहीं उससे हमारा काम नहीं बनेगा, हम चाहते हैं 500 करें एटलीस्ट, 1000 बैक्टीरिया में कहां 10 कर रहे हैं, 200 तो करें, 250 जस्ट समटाइम्स बढ़ जाए अपटेक करना, क्योंकि दो तरह के डीएनए है यहाँ, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और पता चला नॉन रिकॉम्बिनेंट ज्यादा अपटेक होगा, ये भी तो दिक्कत है, तो उसको ओवरकम करने का क्या तरीका है, कि ज्यादा से ज्यादा उसको ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि वो अपटेक एबिलिटी बढ़ जाए। आया सबको समझ में, तो ऑल दोज मेथडोलॉजीज केमिकली फिजिकली है ना अप्लाइड, है ना बींग फॉलोड टू मेक एंड एनहेंस द अपटेक ऑफ डीएनए बाय द होस्ट इज कॉल्ड मेकिंग द होस्ट कॉम्पिटेंट, लायक बनाना, कॉम्पिटेंस बनाना। आया सबको समझ में, ये अपने आप में क्वेश्चन ओरिएंटेड टॉपिक है, देखेंगे उसके बारे में भी।
तो आफ्टर सर्टन दैट इंक्यूबेशन टाइम व्हाट विल बी द सिनेरियो? यानी तीन कंडीशन होंगे यहां पर, कॉलोनी 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसका जो मदर मतलब कॉलोनी है, इसका जो मदर सेल रहा होगा जिससे पूरी कॉलोनी डेवलप करके बना होगा, प्रोजेनी से बने, तो मदर जैसे रहे होंगे वैसी तो है होगा, तो मदर ने ही अपटेक ही नहीं किया, ऐसा तो होगा ना, सब कुछ करने के बाद कुछ 50-50 मान ले, ये सब मिलके 50 और ये अकेला 50, ऐसा मान ले हम, तीन कॉलोनीज है, ये बने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और ये क्या बने, व्हाट इज नॉन ट्रांसफॉर्मेशन, नो अपटेक। अब देखो ना, कोई वेक्टर नहीं आया, यहां आया लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट, कैसा आया, ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, अपटेक किया ना, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट, और इधर अपटेक किया, यानी किसके साथ, रिकॉम्बिनेंट। तो अब इसको हमें आगे स्क्रीनिंग क्या करना है, हो गया इंट्रोडक्शन, हो चुका है, ये रहा वो सैंपल कवर्ड बाय पेट्री डिश, कवर्ड बाय अ लिड, ग्लास लिड, और जो कॉलोनीज हैं उनके ऊपर परमानेंट मार्कर से कॉलोनी 1, 2, 3, 5, 6, 7 करके जितनी कॉलोनी सब मार्किंग हो चुका है, और टेप लगा देते हैं, हिले ना वो, आया समझ में। टेप कब लगाते हैं, एक बार हो गया कि अब इसके अंदर हमें ट्रांजिट करना है, सब इसको ट्रांसफर करते हैं तब लगा देते हैं, क्योंकि हिलना नहीं चाहिए, रेप्लिका प्लेटिंग होगा, क्या होगा, व्हाट इज रेप्लिका प्लेटिंग, कि ये रहा क्या बोलते हैं, इसका टॉप व्यू देखिए, सबसे पहले सपोज ये इसका टॉप व्यू, ये रहा एक कॉलोनी, ये रहा एक कॉलोनी, जो कॉलोनी यहां साइड व्यू से एक लाइन में ऐसा दिख रहा है ना, यहां से एक लाइन में दिख रहा है ऊपर से, तो ऐसे ये रहा कॉलोनी 1, 2 और ये 3, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, यहां ब्लू बना दो, यहां रेड ब्लू बना, सबको आ रहा है समझ में, एवरीवन। तो फिलहाल ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और दोनों ट्रांसफॉर्मेंट है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और ये ट्रांसफॉर्म होना मतलब अपटेक ऑफ डीएनए कर लिया है, इन्होंने तो वो भी नहीं किया इसलिए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्म तो हो गए हैं लेकिन उनके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आया कि नहीं आया, क्योंकि वेक्टर खुद दो तरह के बन जाते हैं बाद में आफ्टर लाइगेशन, नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड आरआर लॉजिक, पूरे चैप्टर का मेन यही तो कंसेप्ट है। तो इसके बाद ही स्क्रीनिंग होगी, क्या होगी, स्क्रीनिंग बाय एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, जिसके लिए रेप्लिका प्लेटिंग, तो ऐसा लिड से ढका हुआ रहता है ग्लास का, और उस लिड के ऊपर मार्किंग रहती है, आया सबको समझ में, एवरीवन। और वो परमानेंट, ये जो मैंने गोले बनाए हैं ये एक्चुअली उस ढक्कन के ऊपर के सर्कल्स हैं, और बगल से 1, 2, 3 लिखा है परमानेंट मार्कर से, तो इसको हटा के ऐसा करके फ्रेश उस पर ले जाएंगे एक नए मीडियम के ऊपर, तो ऐसे उठाया है ना, ढक्कन हटा दिया, ऐसा लिया उसको, पकड़ा सीधा, और सीधा का सीधा विदाउट ट्रेम्बलिंग हैंड, पता चला ऐसे ऐसे यूं यूं घुमा के प्रेस करके घुमा ऐसे दिया, तो पोजीशन चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि ओरिजिनल इस पे क्या था और इस पे क्या पोजीशन है। तो नाउ दिस इज द डॉन्टिंग एक्ट, हेक्टिक, तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी इज लिटिल बिट अ डॉन्टिंग प्रोसेस, और उसकी जो भी दिक्कतें हैं उससे ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट टेक्निक क्या बनाया गया है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्या बनाया गया, हालांकि दोनों ही परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन पहला वाला जो मैं भी बताने जा रहा हूं ये एक बहुत ही हाईली स्किल्ड पर्सन जिसका कंसंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने बॉडी के रिफ्लेक्सेस पे, मतलब काम करते समय जिम्मेदारी है ना, अरे ये सर नो, तुम सर्जन हो तो सीखना अलग बात है, लेकिन खुद पहली बार ऑपरेशन सही नस काटा कि नहीं, काटने तो गए सब, लेकिन अब एरर्स तो एरर्स ही है, इंस्ट्रूमेंट जरा हाथ हिल गया, कुछ हो गया, मतलब
है ना, बगल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेन जा रहा था या आर्टरी जा रहा था, उस पर भी कट लगी गया। अब आया समझ में, सर्जरी में दिक्कत कहाँ है? सर्जरी जो मेन है वो तो, उसके अलावा दीज आर दी ट्रबल शूटिंग, दीज आर दी जो किसी के हाथ में नहीं है ना भाई। अब डॉक्टर जानबूझ के नहीं, बिल्कुल ध्यान से कर रहे थे, इतने में ही और भी तो हमारे रिफ्लेक्सेस छीक आ गया। अरे मैन, यू हैड सम योर पर्सनल जेस्चर्स एंड वे ऑफ एक्शन ऑल्सो ना, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है ना, सबको आ रहा है समझ में। कोई भी दुनिया का प्रोफेशन ईजी नहीं होता है, अगर बात कायदे से करने की है फिर काम तो चल रहा है, सब कर रहे जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है ना। डॉक्टर साहब ने अंदर टॉवेल ही छोड़ दिया। नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ जोक। पहले तो मुझे लगता था ये सब ऐसी फर्जी बातें आती होंगी, बट आई माई सेल्फ वेन एक्सपीरियंस्ड। अरे आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, ये क्या बोलते हैं, अभी दीपावली हॉलीडेज ही डिक्लेयर हुए थे, ठीक है, 14th, 15th से छुट्टियां लगी थी, 15th अक्टूबर, यस, और 8 to 10 days अराउंड। तो ऑन 15th, मतलब एक्चुअली माय फैमिली बैकग्राउंड इज फ्रॉम, वी हैव गॉट 3 medical shops, तो दो में तो क्लिनिक्स भी हैं, तो उनमें जो डॉक्टर्स बैठते थे, तो मैं ऐसे ही पहुंच गया था, तो बैठे थे डॉक्टर साहब और मैं ऐसी बात कर रहा था, फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब नाउ आई एम टर्न आउट 35, सो आई शुड गो फॉर अ चेकअप, आप ही चेकअप कर दो थोड़ा सा ऐसी। हालांकि मैं हर 6 months में चेकअप्स कराता रहता हूँ, तो थिंग्स आर ओके, लेकिन आप करो चेकअप, चलो बीपी वीपी चेक कर लो, ग्लूकोज चेक कर लो ऐसी। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ वाई नॉट, तो उन्होंने बीपी मशीन निकाला और चेक कर रहे हैं। अब नाउ ही इज़ अ क्वालिफाइड MD, है ना, मेदांता से, उन्होंने गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल, वन ऑफ द फेमस हॉस्पिटल, सारे एम्स के डॉक्टर्स नहीं तो वहाँ से निकल के हॉस्पिटल खोला है। मिस्टर डॉक्टर त्रेहान, वन ऑफ द फेमस कार्डियोलॉजिस्ट एंड इंटरनेशनल, ही इज द ओनर ऑफ दैट हॉस्पिटल। तो वहाँ से अभी 2 साल पहले वो छोड़ के आए, भोपाल आके रहे, तो हमसे जुड़े, तो वो कर रहे हैं चेकअप, चेकअप कर रहे हैं, तो बीपी बढ़ा हुआ आया, इट इज समथिंग, मतलब मेडिकली नोटेबल, 110/180। तो डॉक्टर बोलता है ये कैसे आ रहा है, मतलब उनको थोड़ा, मैं तो नॉर्मल बैठा हूँ, ऐसे चल रहा है बीपी, ऐसे ऐसे क्या हुआ मैंने डॉक्टर साहब, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर से उन्होंने 10 मिनट का बैठी है, फिर 10 मिनट बाद चेकअप किया, फिर से 110/160 आया। अच्छा, अरे बोले हाउ दिस पॉसिबल, आर यू ओके, मतलब वो परेशान हो रहे हैं अब, बोले आप ठीक है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा? मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा। बोले कुछ सर भारी लग रहा हो या ब्रीदिंग प्रॉब्लम ऐसा लग रहा हो, पसीना भी तो नहीं आ रहा आपको? मैंने कहा नहीं नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, मैं ओके। बोले यार हाउ कम दिस पॉसिबल, आप मेरे से कम से कम 4 साल छोटे हैं और आपका बीपी इतना आ रहा है। मैंने कहा ये 10 दिन छुट्टी मिलने की खुशी है। अच्छा, तो लेकिन बीइंग अ डॉक्टर, मतलब उनको ऐसा नहीं बोला, ये मैं मनी मन बोल रहा था उनको, है सही बात है, मतलब खुशी के मारे बीपी होगा, बट जो भी है, बट पता नहीं अब उन्होंने क्या नापा, मशीन ठीक था कि वो उनका तरीका ठीक था, मतलब आई एम नॉट चैलेंजिंग द वर्क, बट दिक्कत कहाँ हो गई, मतलब मैं टेंशन में तब आ गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं अब मैं ग्लूकोज भी चेक करूंगा। मैंने कहा आप करिए, मैंने अपना मोबाइल निकाला, मैंने कहा ये देखिए प्रोफाइल है, सब कुछ ठीक है, बट देन ऑल्सो आप चाहे तो करें, ठीक है। अब वो ग्लूकोमीटर वही आजकल है, टेस्ट कार्ड्स बने हुए, तो उन्होंने पूछा आप कौन से हैंडेड है, मैंने कहा राइट हैंडेड, तो बोले नहीं लेफ्ट में करेंगे क्योंकि जिस हाथ से आप लिखते हैं, तो वही प्रिक करने के लिए। तो मैंने कहा मार दो, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, एक प्रिक मारोगे तो कौन सा, मैं तो 3 दिन घूमूंगा, ठीक है। बट अब उन्होंने यहाँ स्पिरिट लगाया इस उंगली पे, ठीक है, स्पिरिट लगाया, और इतने में टर्न करके वो जो निडल उठाया, इतने में मेरा ये हाथ उठा के यहाँ प्रिक मार दिया। अच्छा, अब एक्चुअली इतना स्पीड में हुआ कि मैं बोलूंगा कि नहीं, मैंने कहा अरे यार अरे आया समझ में, इट हैपेंड रियली, ये कोई पुरानी स्टोरी नहीं है। और इतनी जम के हंसी आ रही थी, लेकिन अब मैं चेक कर रहे हैं, वो ग्लूकोज तो ठीक निकला, उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो सब ठीक है। फिर एक छोटा सा कॉटन बॉल बनाया और फिर इस उंगली में थमा दिया। अब मैंने कहा रे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो मैं मिस्टर बीन बन गया हूं या ये मिस्टर बीन है। अरे कुछ आया समझ में, मतलब तो टुडे आई डिस्कस दिस, आई कांट डिस्कस इट आउट, ये तो चलो आप लोगों के साथ में डिस्कस किया, मैं जाके अपने पापा से भी नहीं बोल पाया कि देखो मतलब ये मरीज वरीज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कौन है भाई ये।
ऐसा मतलब इट हैपेंड विद मी, किसी और का नहीं कि किसी और का देखा है, मैं ऐसे बैठ के देख रहा हूं क्या हो रहा है, मेरे साथ हुआ है ये। तो उस दिन से मुझे बिलीव हो गया सब हो सकता है। जो होता है ना डॉक्टर साहब की घड़ी छूट गई अंदर और सब कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, दैट्स द मेडिको वर्क। और सिंस आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन सम लैब वर्क्स, और ये जो लैब में जो काम होता है, नीड सिंसेरिटी। वो ऐसे बोलने, नॉलेज अलग चीज है, हमेशा याद रखना। आप जो भी लाइफ में करेंगे किसी प्रोफेशन में, आपकी पढ़ाई डिग्री वो सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, जस्ट टू कम अप विद द कॉम्पिटिशन। क्योंकि मौका तो सबको चाहिए, आता सबको है, मौका की बात है। तो एग्जाम्स क्वालिफाई करना और ये सब नॉलेज गेन करना सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन जब आपको फील्ड में आप एंटर करोगे ऐसे प्रोफेशनल, काम करने का जो हुनर जिसको कहते हैं स्किल, वो सिर्फ आप ही डेवलप करोगे, कोई और नहीं। आ रही बात समझ में? और हो सकता है तुम्हारा काम करने का ऐसा तरीका होगा, ऐसे तो बहुत से टेक्नीशियंस होंगे, बहुत से लोगों को आता है सारे डिग्री क्वालिफाइड, लेकिन काम हमेशा उनको ही मिलता है जो एक्चुअली हुनरमंद, जिनको काम आता है। और दूसरे लोग वही है कि अरे ये दिक्कत है, अरे इस प्रोफेशन में ऐसा, दे एक्चुअली क्राई आउट फॉर ऑल दोज। नहीं तो दुनिया का कोई भी काम बुरा नहीं है, आपको काम आएगा, आपको काम हमेशा मिलेगा, वो कभी नहीं जाएगा। दैट व्हाट आई मीन टू से। तो ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है थ्योरेटिकली कोर्स में बायोटेक्नोलॉजी, ये जो लेबोरेटरी वर्क है, स्क्रीनिंग टेक्निक, ये ऐसा नहीं है, इट्स अ वेरी डॉन्टिंग प्रोसेस। तो हाथ कितना सदा हुआ होना चाहिए प्लेटिंग का, क्यों? क्योंकि अब देखिए इसका प्रेजेंटेशन कैसे बनेगा। स्टेप वन एंड स्टेप टू है ना। नाउ फ्रॉम हियर द इवेंट विल गो फॉर अ स्क्रीनिंग टेक्निक। फॉर व्हाट टेक्निक? क्योंकि हो चुका है इंक्यूबेशन, समय बीत चुका है, और अब इन तीनों में बैक्टीरिया ऐसे बहुत सारे रहते हैं, कुछ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरियल कॉलोनी है, बाकी सब ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट में कुछ कॉलोनीज कैसे होंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट, और कौन? जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरियल कॉलोनी है वो है हमारा जीएमओ। क्या है? बट इट हैज टू बी फिल्टर्ड आउट टू मेंटेन द प्यूरिटी ऑफ द कल्चर, द कल्चर विच हैज टू गो इन टू द प्रोडक्शन फॉर फीडर, फीड होने के लिए। तो ये करना क्यों जरूरी है? यही क्वेश्चन है। आ रहा है लॉजिक? यू विल गेट थ्रू सच क्वेश्चंस, बुकलेट्स जो यहां दिए हैं उसमें मिलेंगे, कोई बुक उठाओ उसमें मिलेंगे आपको। लैंग्वेज थोड़ा बहुत आ गया लेकिन क्वेश्चन का कंसेप्ट आ रहा है। ये करना इसलिए जरूरी है जस्ट टू अवॉइड द कॉम्पिटिशन इन द कल्चर प्रैक्टिसेस इन द, अरे जिस ग्रोथ मीडियम को, क्योंकि मैंने बहुत सी बातें तो अभी बताई नहीं। सैम्पलिंग इतना ईजी काम नहीं कि दो मिनट में हो गया ये। जिस होस्ट को चुना गया है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल होस्ट? इट शुड बी अ प्रोटोट्रॉफ, कम से कम ग्रोथ मीडियम में। वही बात हो गई ना, लेस फॉडर। जैसे ट्रेडिशनल टेक्निक में भी हम क्या कहते हैं, एक ब्रीड की अच्छी पहचान हमारे नजरिए से क्या है? अगर हमें कमर्शियल फायदा लेना है, हम चाहेंगे कि उसके चारा मतलब फॉडर पे कम से कम पैसा लगे, उसका कम खुराक हो लेकिन उसकी एबिलिटीज और स्टेमिना ज्यादा रहे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? दैट्स द कमर्शियल थॉट, व्हाट इज द थिंकिंग बिहाइंड इट। तो भाई लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे, ग्रोथ मीडियम में जो कल्चर मेंटेन होगा वो ज्यादा कॉस्ट नहीं हो उसका, इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। और जितना भी है 90% कौन इस्तेमाल करे? हर एक बैक्टीरिया जो कि रिकॉम्बिनेंट है, कैसा है उस कल्चर के अंदर, इन दोनों में से कोई भी पहुंच जाए, दोनों ही पहुंच जाए। अब आया समझ में? इस टीम ने गलत किया काम, कंटामिनेटेड फीडिंग भेजा। अब आया समझ में? ये सबको भी चेकआउट कर लेना। इसलिए मैंने क्या कहा, डे वन से आपको कह रहा हूं, व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म? भले ही सालों साल काम कर रहे हैं लेकिन हर नया बैच, नया प्रोडक्शन, द स्टेप्स प्रोटोकॉल्स विल बी फॉलोड। जरा सी चूक हो गई और वो गलती लाखों करोड़ों रुपए में जाएगा ना। जैसे चेक पोस्ट बने, बात समझो ना, कुछ ड्यूटीज ऐसे हैं, मतलब इसको मैथ्स से समझाया जाता है, सैंपलिंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी? सैंपलिंग थ्योरी। अगर एक कप ऑफ टी आपको देखे जस्ट सिप करने को कहें एंड से अबाउट द टेस्ट, स्वीटनेस और ऑल ओवर टेक्सचर कैसा बना, उसका फ्लेवर कैसा आ रहा है, तो एक दो, डिपेंडिंग ऑन योर फ्रीक्वेंसी ऑफ योर टेस्ट, आप एक या दो सिप में आप ऐसा थोड़ी कि पूरा फिर हाँ चाय मीठी थी। अरे कुछ आया समझ में? ये हलवा, ये कढ़ाई रख दिया, बोले जरा टेस्ट करो, पूरा साफ कर दिया, मीठा कम था। इज द सैम्पलिंग? नो।
एक चम्मच लेंगे, दो चम्मच लेंगे, टेस्ट करेंगे, हो गया सैम्पलिंग। लेकिन एक चेक पोस्ट है जहां क्या बोलते हैं डीआर्मिंग ऑफ आर्म्स एम्युनिशंस होने हैं, मतलब चेक पोस्ट चल रहा है कि है ना, बॉर्डर है, 100 ट्रक्स गुजर रहे हैं रोज कमर्शियली, जो अलग अलग तरह के बिजनेस ओरिएंटेड या जिस तरह के भी वो घूम रहे हैं, सिविलियन ट्रक्स हो या वो पता नहीं, 100% सैम्पलिंग होगा। क्या होगा? ऐसा थोड़ी है कि हर 15 ट्रक में से एक ट्रक को देख ले रहे, हाँ हाँ नहीं होगा, जाओ जाओ सब सब जाओ, पता चला जिसमें है वो गुजर गया 15 में से एक में, अरे यस और नो। तो दैट सैम्पलिंग, तो सैम्पलिंग की थ्योरीज बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है मैथ्स पे, उसमें ये कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं। तो सेम इज ओवर हेयर, जब हम लैब में भी, इसलिए मैंने डे वन ही बायोटेक इन्वाइट्स एवरी पर्सन मैथमेटिशियन, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है ना, कैलकुलेशंस है कि कितने पे कितने चांसेस हैं, कि अगर मैंने 10 लोगों को बुलाया तो कितने मुझे चांसेस हैं फीडबैक मिलने की, कि एक भी मिला तो मेरा काम बन जाएगा, मतलब 1/9 अगर फीडबैक भी मुझे मिल जाता है द थिंग्स विल डू, नहीं तो किसी का फीडबैक नहीं, नहीं करीब करीब 1/5, मतलब 5 में से किसी एक का, मतलब 10 में से 2 लोगों का तो फीडबैक चाहिए, तब जाके हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, दिस इज शुड बी अवर सैम्पलिंग। तो उतने तरह के लोगों को बुलाया जाता है कम से कम, तब जाके वो काम होगा, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल माना जाएगा। सबको आ रहा है समझ में? तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो डेटा बनाते हैं, एनालिसिस बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा मजाक थोड़ी है, कुछ तो उसकी सिग्निफिकेंसेस है कि मार्केटिंग में कितना प्रोडक्ट बिकना चाहिए कि कंपनी को कितने पे कॉस्ट कटिंग निकलेगा, और फिर बच्चे को जैसे जो है बोनस कंपनी अपना अर्न करने के बाद फिर कंपनी की कुछ अदर फीचर्स है कि उस सबको बोनस बांटेगा। तो इस सब के लिए कैलकुलेशंस है, ऐसे नहीं कि बस कुछ भी चल रहा है। तो सेम इनसाइड द लेबोरेटरी, कि ये सब करने के लिए, यहां समझाने के लिए थ्योरी में आपके सामने मैंने 3 कॉलोनीज बनाया, लेकिन क्या ऐसे 3 कॉलोनीज होते हैं? हाँ, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे बिंदी जैसे ऐसे बने रहते हैं, एक एक है ना, एक एक डॉट जैसे है एक बैक्टीरियल कॉलोनी है। अब उसमें से फिर बाद में साफ करके एक को निकालना, इनोकुलेशन कहते हैं, स्ट्रीकिंग करना। तो कैसे होता है ये सब? इनक्यूबेशन स्टेप 1, इसको उठाकर बिल्कुल ऐसे रखेंगे इसी पोजीशन पे, कि अच्छा जब रखेंगे ना, बस इतने हल्के से रखेंगे कि सिर्फ ऊपर का थोड़ा थोड़ा टच कर जाए मीडियम को। आया समझ में? देखो ना, यहां मैंने आया समझ में? दिस इज कॉल्ड रिप्ली। और ऐसा ट्रांसफर होगा कि फिर जो कॉलोनी ग्रो करेगा 3, वही कॉलोनी 1 इसी पोजीशन कैसे आएगा? इसका लिड निकाल के इसके ऊपर रखेंगे ठीक उसी पोजीशन पे, 1, 2, 3, बिल्कुल उस सर्कल के बाहर नहीं जाना चाहिए। आया समझ में? यानी बिल्कुल सही ट्रांसफर हुआ है, सही ब्लॉटिंग हुआ है। क्या हुआ है? ब्लॉटिंग। दिस इज द प्रूफ। जिस दिन ऐसा होने लगेगा कि 5 बार आपने करके दिखाया, आपका ट्रेनर बोलेगा ना, 5 बार में अगर 4 बार सही निकल आ जाए जैसा मैंने कहा, दैट्स ओके, एक बार मान के चले ठीक है, अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन, वो एफिशिएंसी आना चाहिए। तो वही बात होगी ना ट्रेनिंग का हिस्सा, कि आप एक आर्म्ड फोर्स के इंसान से, आपको बिल्कुल है ना, सब 10, 9, 8 स्कोरिंग है ना, जो बीच में ही मारेगा 10 के अंदर ही, तो उसका स्कोर वही आएगा, 5 बार शूट किया 50, क्योंकि 10 सर्कल के अंदर आया, मतलब टारगेट पे लग रहा है। नहीं आया समझ में? दैट्स अ कंसेप्ट। लेकिन फिर उसमें भी है, वो तो टारगेट वहां खड़ा हुआ है, एक्चुअल बैटलफील्ड पे टारगेट एक जगह कांस्टेंट थोड़ी है। तो फिर वैसे भी सिखाया जाता है रैंडम, ऐसे ऐसे मूव करता है, उस पर मारते हैं, सब है टेक्निक्स और सबको सिखाया जाता है, लेकिन सीखता कौन है? स्किल्ड पर्सन, जो जिसको सीखना है, जिसको पता है कि मुझे करना है एफिशिएंसी गेन करना, इट कम्स बाय प्रैक्टिस, इट कम्स बाय, एंड दैट इज परफेक्शन नॉट, इट इज एक्सीलेंस। कोई भी परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता, हाँ एक्सीलेंट हम बन सकते हैं, लेकिन दिस इज द एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट ग्रोथ प्लेट, यानी इसमें एम्पीसिलिन है। क्या है ये? जो वेक्टर था इसमें 2 जीन थे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट और दीज आर सिलेक्टेबल मार्कर्स, दीज आर क्या होते हैं, मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूं, आज ज्यादा जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं,
लेकिन कंसेप्ट कि ये कुछ ऐसे जीन्स है जिनके प्रेजेंस और एब्सेंस से ही तो ये स्क्रीनिंग होती है. तो सेलेक्टेबल मार्कर्स आर दो सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन द वेक्टर सीक्वेंस ऑन द विच विल हेल्प इन स्क्रीनिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम एट द लेटर स्टेज ऑफ द होल प्रोजेक्ट, है ना, टू डिसाइड द जियोमो, टू डिसाइड द कौन है इसमें से, है इसमें है. ये तो आज आपको यहाँ डायग्राम से यही दिख रहा है, बोले सर ये है ना, इतना करने की जरूरत क्या, इसको निकाल लो, दिख तो रहा है. फिर वही बात है, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, लैब में सब कलरलेस बैक्टीरियल कॉलोनी. सबको आ रहा है समझ में, एवरीवन? तो एम्पीसिलिन है, इसके पास एम्पीसिलिन है, इसके पास भी. क्यों? क्योंकि इस डायग्राम में फॉलो तो करो, मैंने एफडीएनए को कहां लगा दिया है, टेट्रासाइक्लिन डिस्टर्ब हो गया. अब ये जीन रिकॉम्बिनेंट्स में नहीं है, यस और नो? लेकिन एम्पीसिलिन है. तो एम्पीसिलिन में क्या देखेंगे, आफ्टर इंक्यूबेशन, मतलब कुछ समय तो ग्रो करेगा लेकिन फिर दो घंटे बाद ही देखेंगे गायब. कौन गायब? ये हो गया ना स्क्रीनिंग. स्टेप वन में हमेशा कौन स्क्रीन हो जाता है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम, या उल्टा बोलने का तरीका, ट्रांसफॉर्मेंट्स गेट स्क्रीन्ड फ्रॉम. सबको आ रहा है समझ में, एवरीवन? क्यों? क्योंकि यहां एम्पीसिलिन इसके पास तो आया ही नहीं ना, कोई भी जीन नहीं आया, क्योंकि ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था, इसके पास तो ये भी नहीं आया. आया सबको समझ में? इसके पास एम्पीसिलिन से भी बचने का और टेट्रासाइक्लिन, इसके पास सिर्फ एम्पीसिलिन से बचने का है, यस और नो? स्टेप टू में फिर से सेम रेप्लिका प्लेटिंग, अब इसको प्रेस करेंगे और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ग्रोथ प्लेट है. कुछ समय बाद सिर्फ यही ग्रो करेगा, ये ग्रो नहीं करेगा. बोले सर ये ग्रो नहीं करेगा, तो यही तो रिकॉम्बिनेंट था जो हमें चाहिए था, सिर्फ पता लगा लिया. डिस्ट्रीब्यूट करो. व्हाट इज द टाइम नाउ? 10:25. ठीक है, आ रहा है सबको ये समझ में कंसेप्ट? तो पता लगाना था और फिर उस लिड को ले जाके यहां लगा दिया. अरे आया समझ में? तो रिकॉम्बिनेंट विल बी, है ना, कलेक्टेड फ्रॉम प्लेट वन, स्टेप वन. इन दोनों में से ये है, ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है, पता तो लग गया ना. सबको आया समझ में? लेकिन इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस और बार बार ट्रांसफर करना है ना, फिर जीन एंटीबायोटिक प्लेट्स को मेंटेन करना, ये सारे टेक्निकल डॉन्टिंग प्रोसेस है. मतलब तो इससे ओवरकम करने के लिए और वन स्टेप में हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट भी पता चल जाए और रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट सब एक साथ पता चल जाए, हेंस वी गो फॉर द नेक्स्ट स्क्रीनिंग टेक्निक कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, ब्लू व्हाइट कॉलोनी सिलेक्शन मेथड. ब्लू व्हाइट, एनसीईआरटी में इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, एनसीईआरटी में उस घटना को, उस इवेंट को कहा गया है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. क्या कहा गया? That what are we going to prove later on. यहां तक क्लियर है? बस अब इसको एक नए मीडियम में ट्रांसफर कर देंगे, यहां से इनोकुलेट करके, फिर वो स्ट्रीकिंग करके, वो कल्चर करके, तैयार फ्लास्क जो कि मदर कल्चर की तरह उसके बनते जाएंगे और फिर प्रोडक्शन हो गया, आरएनडी का काम खत्म. अब प्रोडक्शन में एक छोटा सा लैब होता है जहां पर स्मॉल स्केल में सब चीज पता लगा लेते हैं कि ठीक है एक लीटर कल्चर फलाने माइक्रोब को हमने ग्रो किया, उसमें इतना पीएच, इतना टेम्परेचर, इतना मीडियम चाहिए, हर आधे घंटे बाद उसको एरेशन देना पड़ेगा, फिर थोड़ी देर बाद नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ठीक ठाक ऑक्सीजन लेवल मेंटेन चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं, कम भी नहीं होना चाहिए एक लीटर के लिए. तो नाउ मल्टीप्लाइड बाय 1000 लीटर बाय, यानी बायो रिएक्टर्स में इसको कैसे पुश करें, यानी चैप्टर एंड्स विद दैट प्रोडक्ट एंड डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस. सबको आया समझ में? बट इन ड्यू कोर्स एंजाइम्स के नाम आपने सुने, एफडीएनए, होस्ट और वेक्टर. वेक्टर्स, व्हाट आर वेक्टर्स? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल वेक्टर? इट्स टाइप, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन वेक्टर.
खुद आर्टिफिशियल वेक्टर्स के अलग अलग टाइप्स, सबसे बेस्ट नेचुरल वेक्टर किसे माना गया है, कौन है जो एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर का काम करता है, आंसर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेशियन टीआई प्लाज्मेट। कौन सा प्लाज्मेट? व्हाई? उस किस वेक्टर को कब चूज करते हैं? अगेन होस्ट कैसा है उसके लिए फलाना वेक्टर ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन ओरिएंटेड डिस्कशन। लेकिन चैप्टर मेन क्या है, उसका क्या सीक्वेंस ऑफ लर्निंग है, सबको आज आ गया समझ में? मतलब आज का क्लास सिर्फ इसको ही डेडिकेट किया और ये कंटिन्यूटी समझ में आ गया सबको, अप्रोच एवरीवन। तो नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू बिगिन विद टूल्स। टूल्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वेक्टर्स तक पूरा, एंजाइम्स सब सब। और एक क्लास मुझे चाहिए टेक्निक्स समझाने के लिए, फिर वही स्टेप्स सारे, एक एक डिटेल स्टेप्स। तो अगले 2 से 2.5 क्लास में इतने मतलब कंजम्पशन में चैप्टर खत्म होगा, एक क्लास में सारे एप्लीकेशंस, सेकंड चैप्टर। क्लियर? लेकिन आपके जो टेस्ट सीरीज थर्सडे 23rd of November जो है कमिंग वीक, उसमें चैप्टर्स आएगा एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ह्यूमन हेल्थ डिजीज और बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1। तब तक ये हो चुका होगा। किसी को कोई डाउट?